जानते हैं कि ये बुद्ध जो हैं ये कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या था इनका? सिद्धार्थ इन लुम्बिनी जो अब नेपाल में है, नेपाल ही है, तो ही वॉज बॉर्न एज अ प्रिंस, है ना? तो वही होता है कि जब पैदा हुए तो साधु जो उनके वहां पर आए थे, जिन्होंने वो देखते ना पत्रिका एंड ऑल बनाते हैं, तो उन्होंने देखा कि ये तो या तो ये बहुत महान राजा बनेगा, सब लोग इसके आगे झुकेंगे, या फिर ये बहुत बड़ा संत बनेगा। तो वो संत चीज को रोकने के लिए उनके फादर ने उनको चार मतलब कहते हैं ना महल की चार दीवारी, उसी में उनको रोक के रखा। रोक के रखा मतलब ये नहीं कि उनको कुछ करने नहीं दिया, एवरीथिंग वॉज प्रोवाइडेड टू हिम इन दोज फोर वॉल्स एक तरह से, ठीक है? सब चीजें उनको वहां प्रोवाइड की गई, सब कुछ, एवरीथिंग वॉज ऑल गुड, ठीक है? लेकिन कहते ना जो कॉलिंग आती है, जैसे मैंने अपने बारे में बताया मुझे कॉलिंग आई तो सब छोड़ पटक के आई एम हियर, राइट? तो उसी तरह से जब उनको कॉलिंग आई, उन्होंने देखा एक अच्छा कुछ चीजें ना नेचुरल भी होती हैं। तो एक बार वो अपने गार्डन में घूम रहे थे तो एक हंस को किसी ने तीर मारा था, वो उनके पास आके गिरा। अब उनको समझ नहीं आया ना, उन्होंने वो तीर निकाला और जो मिट्टी थी उससे उसको लेप कर दिया और थोड़ी देर में वो उड़ के वापस चला गया। तो उनको खुद अपने ऊपर बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा कुछ कर दिया मैंने। तो ये कॉलिंग होती है, या ये कहें कि ये डिविनिटी होती है जो इंसान पैदा हो के लेकर आता है अपने अंदर, है ना? तो इस टाइप की चीजें तो उनके अंदर ऑलरेडी थी। अब उन्होंने जिद करी कि मैं बाहर भी देखना चाहता हूँ, अपने जो किंगडम है उसको घूमना चाहता हूँ, कैसे हैं लोग। तो इट वॉज ऑलरेडी अनाउंस्ड सबको कि भाई कोई भी बुरी चीज उनके सामने नहीं आनी चाहिए, है ना? वो नगाड़े बज गए कि कोई भी बीमार, कोई भी किसी भी तरह का दुख उनके सामने नहीं आना चाहिए, चाहे किसी को कितनी भी तकलीफ हो। बट होनी को कौन टाल सकता है? सबसे पहले वो बाहर निकले तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा, बाद एक डेड बॉडी दिख गई, उसके बाद एक बीमार आदमी दिखा जिसको कोढ़ हो रहा था, और एक सन्यासी दिखा। ऐसे उनको चार लोग मिले रास्ते में। उनका जो सारथी था, उन्होंने उसको पूछा कि भाई ये सब क्या है? तो उसने बोला ये तो साइकिल है, ओल्ड है। क्यों है? क्योंकि वो बच्चा था जब पैदा हुआ, फिर बच्चा हुआ, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, अब ये मर जाएगा। तो ये साइकिल उसने उनको समझाई इस तरह से, ही रजिस्टर्ड। फिर एक डेड बॉडी आई, तो क्या है? ये बूढ़ा होने के बाद मर जाएगा। अब एक बहुत बीमार आदमी आया सामने, देखा ये क्या है? बोले ये इसका दुख है, ये अपने कर्म काट रहा है, यहाँ पर भोग रहा है। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, वो अपने कर्म भोग रहा है इसलिए बीमार है, ठीक है? तो अब ये कि अब इसके कर्म कैसे दूर होंगे, यहाँ पर इनको बहुत बहुत ज्यादा ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई इस बात को लेकर कि कैसे ठीक होगा, मतलब क्यों आया इसके पास ये। यहां से उनको क्वेश्चन मार्क स्टार्ट। आगे गए, सन्यासी देखा, तो ये सन्यासी है, इतने सारे लोग उसके सामने बैठे हैं, उनको प्रवचन दे रहा है, उनको ठीक कर रहा है, यू नो हाउ दे डू, कुछ दे दिया, वो खा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, ये सब हो रहा है। ये सब क्या है? तो बोले ये सन्यासी है। बोले ये कौन होता है? बोले जो सब चीजों को छोड़ के, त्याग के लोगों को ठीक करता है, लोगों को प्रवचन देता है, भगवान के बारे में बताता है। तो बोले इसको कोई दुख नहीं है? बोले नहीं, ये दूसरों के दुखों को कम करता है। एक ये बात अटक गई दिमाग में, राइट? सो कैसे स्टोरी फॉर्म होती है आपके माइंड में, वो इस तरह से होती है कि आप पहले तो ये कि दुख को उन्होंने समझा कि एक्चुअल में दुख है, ओके? अब दुख को सही करने का रास्ता भी उनको सामने दिखा, ठीक है? तो फिर उन्होंने उस टाइप से स्टेप्स लिए, मैं आगे बताती हूँ आपको कैसे। Thank you.